दूसरा वीडियो बताऊंगा। मैंने 200 ml का बॉटल लिया है, उसको एक बलून से कट करके, यहाँ से कट करके यहाँ पे लगाया हूँ। उससे पहले कतरी से यहाँ पे एक छोटा होल बना लिया है। यहाँ पे एक रबर लेके ऐड कर लिया हूँ। बाद में एक चाकू लेके यहाँ से ऐसे कट कर लिया हूँ दाने डालने के लिए। बाद में आपको हेल्प होगा और खिलाते वक्त भी आपको एक कट से हेल्प होगा। और एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसा कट है। एक बलून को रबर से बंधा हूँ मैं। यहाँ देखिए, मैंने जवार को रात को भिगो को रखा था, अभी मैं कबूतर को खिलाने वाला हूँ। आप मिक्स डाले तो भी चलेगा, मगर जल्दी भीगने वाला, नरम होना चाहिए और बच्चे को हजम होना चाहिए, वैसा वाला दाना यूज़ करिए। गेहूँ को यूज़ मत कीजिए, गेहूँ को हजम होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं इसको इसमें दाना फिल करूँगा। पानी ज़्यादा इसमें रखे मत, सूखा ही रहने, ऐसा पानी कम रखे इसमें। देखिए अभी देखिए डालना है। बाद में होल्ड करिए और थोड़ा उसको पानी मत पिलाइए, दूध पिलाइए। होल्ड करने के बाद में अब एक सिरिंज लेके उसको पानी मत पिलाइए, दूध पिलाइए। ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। ऐसे टैप करने से वो क्या दाना नीचे जाएगा, तो उसको बच्चे को हेल्प होगा। इसमें पानी ज़्यादा मत डालिए, विदाउट पानी खिलाइए बच्चे को। ओके, ऐसे आप खिलाते रहिए, आपके बच्चे बहुत बड़े बनेंगे। आप दाने मिक्स भी डाल सकते हो, और मगर दाना का साइज छोटा रहना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं रहना चाहिए। ओके।